जिला अध्यक्ष हमारे बीजेपी से कमल माखीजानी सर हमारे बीच यहाँ पर मौजूद हैं। सर हम आपका स्वागत करते हैं। सर आज ग्वालियर का व्यापार मेला घूमने आए हैं। सर बेटियों का परफॉर्मेंस आपको कैसा लगा और बेटियों के लिए दो लाइन? देखिए, बेटी है तो कल है। बेटी हमारी आधी आबादी है। यदि समाज को सही तरीके से आगे बढ़ाना है और देश को परम वैभवत ले जाना है तो हमें बेटियों के महत्व को समझना होगा। लेकिन विडम्बना ये है कि समाज अभी भी बेटियों के प्रति बड़ा अलग धारणा रखता है। हम आए दिन अखबारों में पढ़ते हैं कि बेटियां हुई तो उन गला घोंट कर उनको मार डाला। यह अच्छी बात नहीं है। बेटी तो लक्ष्मी का रूप होती है। अगर बेटी आती तो घर में लक्ष्मी आती है। उसका अर्थ केवल यही है कि संपन्नता तभी होगी जब दोनों आबादियों का सही सामंजस्य होगा। तो आप बेटियों को मंच उपलब्ध करा रहे हैं और नन्ही नन्ही बच्चियाँ अच्छा भी डांस कर रही थी। मैं आपके चैनल से आपको भी धन्यवाद देता हूँ कि आप इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर ग्वालियर का मेला अभी क्या क्या घूम लिया अभी आपने? मैं मेला तो बड़े उत्साह से घूमने आया था, लेकिन मुझे बड़ी निराशा हुई देख करके कि जो मेले की दुकानें हैं उनके सामने जो अतिक्रमण किया हुआ है जिससे व्यक्ति घूम नहीं पा रहा है स्वतंत्रता से। कहीं ठेले हैं, कहीं फुटपाथ ही हैं। और सर आज आप आ गए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कल से कुछ चेंज तो मिलेगा। नहीं, मैं सही जगह बात पहुंचाऊंगा जहां मुझे पहुंचाना चाहिए, क्योंकि मेले में घूमने का एक स्पेस तो होना चाहिए। मैं फैमिली के साथ आया हूँ, करीब 3-4 साल बाद आया हूँ घूमने के लिए, तो लेकिन देख के बड़ी निराशा हुई कि इस और प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। LIC व्हीकल से जितिन पटेल सर की ओर से एक आपके लिए ये कुछ ना कुछ हम उपहार देते हैं जो बच्चे परफॉर्मेंस करने आते हैं। और एक सर एक आपके लिए अनेजा मॉल रजत अनेजा जी की ओर से एक आपके लिए। धन्यवाद।